शाह से रिपोर्ट शामिल करते हैं। नुमाइंदे रजब अली बुज़दाद की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वजीर वाबडा खुर्रम दस्तगीर ने भिट शाह पहुंचकर दरबार हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई पर चादर चढ़ाकर दुआ की और बाद अज़ा नवाज लीग के वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत की। भिट शाह पहुँचने पर साबिक टाउन चेयरमैन सैयद गिदा हुसैन शाह लतीफी की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया, जबकि दरगाह के कायम मकाम सज्जादा नशीन सैयद कावर हुसैन शाह लतीफी ने वफाकी वजीर को दरबार में वेलकम करते हुए दरबार पर मिलकर दुआ की। इस मौके पर पार्टी रहनुमा सैयद शाह मोहम्मद शाह, सैयद शाह जमान शाह, कियल दास कोहिस्तानी, नसीर अहमद मेमन और दीगर में भी साथ मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि इमरान के हवारियों ने सरकारी अमलाक और मुल्क के हसास इदारों पर हमला किया और फितना व फसाद फैलाया है। तहरीक इंसाफ ने जो कुछ किया वो हमारे मुल्क के आइन को आग लगाने, तोड़ने और तबाह करने का ये शाह लतीफ भिटाई का पैगाम नहीं है, बल्कि ये मुल्क दुश्मनी है। इमरान खान ऐसी हरकत से बचे वरना इमरान खान को कोई जगह नहीं मिलेगी। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने पार्टी रहनुमा सैयद शाह जमान शाह की जानिब से मुनक्किद किए गए वर्कर कन्वेंशन में भी शिरकत की।